ये मैं सोच रहा कि किसी भी एग्जाम का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन जेई मेन लेवल और नीट लेवल के वही कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलेशन ऑफ 4, कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन दे दिया है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन द 5th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, ध्यान देना, डिस्टेंस कवर्ड है ना। अब 5th सेकेंड, 5th सेकेंड मतलब कब से कब तक का, 4 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड को 5th सेकेंड बोलते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। एंड दिस पहले पता करते हैं 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो आपको बोल दिया वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलेरेशन बोल दिया है 4 है ना, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप लगा के देख भी लो, यू प्लस ए टी, तो किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या, नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो नो चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर नो चेंज इन डायरेक्शन है तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स, मतलब इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, है ना। उसका मॉड ले लो, नेगेटिव आएगा तो मॉड का जरूरत पड़ेगा। ए कितना है, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, तो 2 18 7 25, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ अगर, तो 25 मीटर्स इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। क्योंकि आपके जितने फार्मूलाज है उसमें डिस्प्लेसमेंट रहता है, डिस्टेंस नहीं रहता उन फार्मूलाज में, है ना, इसलिए हमेशा ये प्रिकॉशन ले लेना। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को इक्वेट करना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हाँ, तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पे स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम मतलब टाइम पे स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कोई कॉन्स्टेंट डाल देते हैं, के जो मैंने आपका वो डालो, के कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, के तो कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, तो एक्सेलेरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट आया, ठीक है, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 84। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 85। अ ट्रेन कवर्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस एंड स्टॉप्स व्हेन अप्लाइड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज जस्ट डबल्ड एंड अप्लाइड द सेम रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीज हो रही है। तो एक केस में ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है और आपने ब्रेक दबाया तो 50 मीटर दूर जाके ट्रेन रुकी, ठीक है। अगर आप स्पीड को डबल कर दो तो फिर ब्रेक लगाने पे कितने मीटर दूर जाके रुकेगी, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे कि अगर रिटार्डिंग फोर्स सेम है तो हम लोग सेम एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जो बोलना है बोलो, सेम एक्सेलरेशन अज्यूम करेंगे। जब भी आपका रिटार्डिंग फोर्स सेम रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट पे सेम रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब सेम एक्सेलरेशन या सेम रिटार्डेशन जो बोलना है, ठीक है। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम है, आपको पता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन यही मान लेना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिस्टेंस विल बी यू स्क्वायर बाय 2a, वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यूज करना है, ठीक है। तो मैं वही यूज किया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया क्या कहाँ से आ गया, तो फाइनल जीरो ये, और एक्सेलरेशन याद रखना नेगेटिव में रहेगा, तो ओवरऑल ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पुट करना, ठीक है। जो भी है फर्स्ट केस का ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन में तो कोई 1 2 नहीं पुट करेंगे, दोनों केस में सेम एक्सेलरेशन है। सेकेंड केस में ये रेशियो ले लो, ठीक है,
ठीक है। आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आया कि ए क्यों नेगेटिव है, मान लो आप नहीं भी पुट कर रहे हो, तो ए नेगेटिव होगा आपका, एस भी तो एस पॉजिटिव होगा। अब इतना नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल छोड़ देना, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो फर्स्ट केस का स्पीड अगर यू है तो सेकेंड केस का स्पीड 2u है क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो एस वन बाय एस टू 1/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एस टू हो जाएगा 4 times S1, और पहले केस में कितना चल के रुका था वो 50 meter, तो 4 times 50 मतलब 200 meter, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, है ना, लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 ये हो गया, बॉडी ट्रैवलिंग 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ बॉडी ट्रैवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 seconds एंड 220 इन द नेक्स्ट 4 seconds, ठीक है। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 seconds फ्रॉम द स्टार्ट विल बी, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि पहला 2 seconds में कितना चला है, फर्स्ट 2 seconds में 200 meter, फर्स्ट 2 seconds मतलब मान लो 0 seconds पे मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रॉम 0 to 2 seconds कितना चला है, 200 centimeter यानी 0.2 meter, और यह सब कुछ सेंटीमीटर में ही आंसर लाना है, देख लिया मैं ऑप्शन को, तो इतना सेंटीमीटर, ठीक है। यार राइटिंग इतना ख़राब क्यों हो रहा है आज, तो हमेशा ख़राब रहता है लेकिन इतना ख़राब नहीं रहता है। तो देखो 0 seconds to 2 seconds चला है वो 200 centimeter, ठीक है, और 220 चला है इन द नेक्स्ट 4 seconds। अब फर्स्ट 2 seconds और नेक्स्ट 4 seconds को ऐड करेंगे तो पहला 6 seconds आ जाएगा, पहला 6 seconds मतलब 0 seconds to 6 seconds कितना चला है, 200 plus 220 यानी 420 centimeter, ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड क्या होगा, ठीक है, 7 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही है ना, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, आपको बोल दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और आप मान लो इस क्वेश्चन में कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप मान लेना स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वैसे बोलना चाहिए था कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसमें अज्यूम कर लेना स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। ये मत सोचना एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वैसा नहीं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है, मतलब कोलिनियर होती है, सेम या अपोजिट डायरेक्शन तब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन है मेरा, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चलेगा, मेंशन होना चाहिए था, मिसिंग है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो यूटी प्लस हाफ इसको लगा रही क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ये लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है, पहला 2 सेकेंड के लगाएंगे तो ये आ जाएगा यू टी, टी का वैल्यू 2 लेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और पहला 6 सेकेंड के लगाएंगे तो यू सिक्स हाफ ए सिक्स स्क्वायर, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन 2 अननोन है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास है 2a 2u, तो a प्लस यू फर्स्ट इक्वेशन से देख लेना 100 आ रहा है a प्लस यू का वैल्यू, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में 6 है ना ये, हाँ 6 36 36 में से 2 18, ठीक है, 6 3 18 6 7 42, तो आपका सेकेंड इक्वेशन 70 इज इक्वल टू यू प्लस 3, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है तो, ठीक है, 70 इज इक्वल टू यू प्लस 3, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें हम लोग तो 70 प्लस ए प्लस यू, कैसे भी आपको एलिमिनेट करना है बस, ठीक है। तो मैं देख लिया था यू दोनों तरफ आएगा इसलिए ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हो 2a इज इक्वल टू माइनस 100 में से या 30, ठीक है, तो a का वैल्यू आ रहा है -15, और यूनिट्स डिस्टेंस 70 मीटर में था और टाइम सेकेंड में था, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर होता है एक्सेलेरेशन, लेकिन मैं यहाँ पे यही क्यों लिया वो बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई बात। तो एक्सेलेरेशन हो गया -15 centimeter per second square, ठीक है। तो एक बार a का वैल्यू पता है आपको -15 है, तो u का वैल्यू आप निकाल सकते हो, a का वैल्यू -15 है तो u का वैल्यू हो जाएगा -115, ठीक है, u इतना है a इतना है, ठीक है। दोनों नेगेटिव कैसे आ गया यार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक देखता हूँ मैं, ये 70 इज इक्वल टू u प्लस 3 है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 70 प्लस a प्लस u, और उस तरफ 100 प्लस u प्लस u u कैंसिल 3a
माइनस ए, टू ए इक्वल टू, हाँ ए तो नेगेटिव आ रहा, ए नेगेटिव यू पॉजिटिव आएगा, सॉरी ए नेगेटिव था यू 115 आएगा, ठीक है। तो यू नेगेटिव, यू पॉजिटिव आया, ए नेगेटिव आया ना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड ना, एट द एंड ऑफ 7th सेकंड, ठीक है। 7th सेकंड मतलब टी इक्वल टू 7th, 7 ही तो लेना है, ठीक है। आपसे पूछा गया वेलोसिटी एट 7 सेकंड्स क्या है, क्योंकि एंड ऑफ 7 सेकंड, देखो बिगिनिंग ऑफ 7 सेकंड क्या होता है, 6.00001 मान लो ये है बिगिनिंग, इसी के आसपास है ना। तो वहां से लेके एंड ऑफ 7 सेकंड्स क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये है बिगिनिंग ऑफ 7 सेकंड, ये है एंड ऑफ 7 सेकंड, ठीक है। इसके बाद 8 सेकंड स्टार्ट होगा। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना है, ठीक है। तो वेलोसिटी एट 7 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 115, एक्सेलेरेशन तो -15 इंटू 7, 15 से 105 मतलब 10 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुआ है तो 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अ बॉडी ड्रॉप, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट, फ्रॉम अ टावर कवर 7/16 ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड, तो टाइम ऑफ फॉल क्या है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये आपका टावर है, थोड़ा बड़ा टावर बनाते हैं, ये टावर है, टावर का हाइट मान लो h है, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन, मान लो t इक्वल टू 0 पर छोड़ रहे हो और यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, कहीं से भी कहीं जाने में 1 सेकेंड लास्ट, अब तो टोटल 5 सेकेंड लगा है, तो उस 5 सेकेंड में लास्ट का 1 सेकेंड तो खो ही सकते हैं ना, तो मैं उसको लिख दिया हूँ बस, ठीक है। आप कहीं भी डॉट को बनाना बना दो, मैं यहाँ पे बनाया, ठीक है। लास्ट 1 सेकेंड में वो कितना चला है, 7/16 ऑफ टोटल, तो टोटल कितना चला था, एच चला था लास्ट में, 7/16 ऑफ एच चला लास्ट एक में, है ना। तो आपसे पूछा गया टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल मतलब पूरा बिल्डिंग का हाइट कवर करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अगर ये 7h/16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7h माइनस, मतलब h माइनस 7h/16, 16 में 7 गया 11 ना, 9 7 16 होता है, तो 9h/16, ठीक है। तो ये वाला हाइट है 9h/16, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इजी क्या रहेगा, ड्रॉप किया गया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो मेरे लिए आसान है अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसिडर करूँ, क्योंकि यू जीरो मिल जाएगा फिर, है ना, यहाँ से यहाँ का मोशन यू जीरो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का मोशन है मान लो टी सेकेंड्स लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ में तो पता होता है 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखता हूँ यू जीरो, तो एस इक्वल टू सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक में -9h/16, ये है ना डिस्प्लेसमेंट -9h/16, देखो इनिशियली यहाँ पे था और t सेकेंड्स में वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो -9h/16 हाफ ए टी स्क्वायर, ए आपका -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पहला रिलेशन आएगा, ठीक है। और टोटल के लिए करते अगर आप, तो टोटल के लिए फिर से वही s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि टोटल मोशन के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। आप क्योंकि यहाँ से देख रहे हो यहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मिलेगा, इनिशियल मतलब यहाँ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल के लिए है -h हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना हो जाएगा, टी प्लस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो टी था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, टी प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक तो ये दूसरा इक्वेशन ये आया। आपसे क्या पूछा था, टी पूछा था ना, एच तो नहीं पूछा था, टी पूछा था, ठीक है। तो आप एच का वैल्यू एलिमिनेट कर दो, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो -9h/16 इज इक्वल टू हाफ ऑफ -10 टी स्क्वायर, और यहाँ पे अब जी भी रहने दो तो ठीक रहता है, ये सब आप पहले से अगर सोच लोगे तो एग्ज़ाम में इतना हॉच पॉच नहीं हो जाएगा। -h 9/16 इज इक्वल टू उस तरफ क्या बचा, टी बाय टी प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि टी बाय टी प्लस 1 आपका हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये है 3/4 का स्क्वायर, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर,
तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 3, तो t का वैल्यू आया 3। ठीक है, तुरंत आंसर मत मार्क करना। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था टाइम ऑफ फॉल। टाइम फॉल मतलब पूरा बिल्डिंग का हाइट कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, तो पूरा बिल्डिंग का हाइट कवर करने में उसको t नहीं लगा है, t प्लस 1 लगा है। यहाँ से यहाँ तक t सेकेंड्स लगा है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा है। ठीक है, तो टोटल है t प्लस 1, तो 3 प्लस 1 यानी 4 सेकेंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 81। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। ठीक है, वट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट द सेम टाइम। तो 2 से ज़्यादा बॉल हवा में रहना है। ठीक है, वट शुड बी द स्पीड। ठीक है, तो कितने से फेंकना चाहिए हमें ताकि 2 बॉल रहे, है ना। सबसे पहले देखते हैं एक बॉल जो है उसको आपको याद रखना, वन आफ्टर द अदर फेंक रहे हैं 2 सेकेंड के इंटरवल में। ठीक है, तो सपोज पहला बॉल फेंका यहाँ से यू स्पीड से, ठीक है, फिर 2 सेकेंड का तो उसको दूसरा बॉल फेंकना है ना, और आपको बोल दिया है कि मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। अब मोर देन 2 बॉल्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 3 बॉल। मोर देन 2 के लिए मिनिमम नंबर क्या है, 3 है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, अगर 3 बॉल भी रहे तब भी चलेगा, 4 बॉल भी रहे हवा में तब भी चलेगा, 5 रहे तब भी चलेगा, तो मैं मिनिमम से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर 3 बॉल रखना है जगलिंग में, है ना, आपको रखना है 3 बॉल जगलिंग में। ठीक है, 3 बॉल हवा में रखना है। ठीक है, तो ये आपका अगर हाथ है, ये हैंड है, आपको 3 बॉल हवा में रखना है, आपको 2-2 सेकंड के इंटरवल में फेंकना है। ठीक है, तो सपोज आपने फर्स्ट बॉल जो है वो आपके हाथ में है, ठीक है, इसको नाम नहीं देते, ये कुछ बॉल है, आपने एक बॉल फेंका हवा में और उसके 2 सेकंड का दूसरा बॉल फेंका, उसके 2 सेकंड का तीसरा बॉल फेंका, उसके 2 सेकंड का चौथा बॉल फेंका। ठीक है, वैसे ऐसे करके कहते हैं हम लोग, पहले 3 बॉल वाला केस देते हैं फिर 4 बॉल में जाएंगे। ठीक है, तो 3 बॉल है अपने पास, तो मान लो फर्स्ट बॉल यहाँ पे है। ठीक है, याद रखना आपके पास अगर 3 बॉल है तो 3 को फेंकने के बाद 1 को फेंकोगे, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलते रहेगा ना। तो थर्ड बॉल फेंकने के बाद फिर से फर्स्ट बॉल आपके हाथ में पहुँचा होगा और फिर आप फेंकोगे। ठीक है, और जो सेकेंड बॉल होगा उस समय वो कहाँ पे होगा, अगर फर्स्ट बॉल आपके हाथ में है, ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड बॉल कहाँ कहाँ पे होगा, ये कैसे निकाल सकते हो आप, ये निकाल सकते हो क्या, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें से आपने तीनों बॉल को हवा में रखना है। ठीक है, तो 3 बॉल आप लेके स्टार्ट की जल्दी, है ना, तो आपको 2-2 सेकेंड के अंतराल में फेंकना है। तो सपोज फर्स्ट बॉल को आप फेंक रहे हो टी इक्वल टू 0 सेकेंड, है ना, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कहाँ पे होगा वो हम लोग पता नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको 2 सेकेंड के एंड में फेंकना है, तो मान लेते हैं कि सेकेंड बॉल जो है टी इक्वल टू 2 सेकेंड में आप चाहोगे कि सेकेंड बॉल आप फेंक रहे हो, है ना, सेकेंड बॉल आप फेंक रहे हो, फर्स्ट बॉल को फेंके थे टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये आप सेकेंड बॉल को फेंक रहे हो। ठीक है, ये आपका सेकेंड बॉल है ना, और थर्ड बॉल को टी इक्वल टू 4 सेकेंड से फेंक रहे होंगे। ठीक है, हाँ, अब याद रखना थर्ड बॉल को फेंकने तक फर्स्ट और सेकेंड हवा में होना चाहिए, ज़रूरी है क्या, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 1 और 2 जब हवा में है तो 3 आपके हाथ से छूट रहा है उस समय मान लो, और फिर 3 छूटेगा फिर 1 आएगा हाथ में, है ना, तो जैसे ही 3 छूटेगा तो तीनों हवा में हो गए। ठीक है, ठीक है, तो आप ये चाहोगे कि थर्ड बॉल जब छूट रहा है तो एक एक्सट्रीम केस देते हैं कि थर्ड बॉल जब छूट रहा है तब फर्स्ट बॉल हाथ में आ रहा है, ये एक्सट्रीम केस है। ठीक है, मतलब इस केस में तीनों बॉल हवा में नहीं रहा, जैसे ही थर्ड बॉल छूटा वैसे ही फर्स्ट बॉल हाथ में भी आ गया, मतलब एक तरफ फर्स्ट बॉल आपका हाथ है इतना बड़ा मान लो, जैसे ही थर्ड बॉल ने आपका हाथ छोड़ा वैसे ही फर्स्ट बॉल आपके हाथ में आके गिरा। ठीक है, ऐसा केस तो हो ही सकता है ना, वो वाला केस देखते हैं ना, वो लिमिटिंग केस है, जस्ट आप बच गए अपना गोल अटेंड करने से। ठीक है, तो वो लिमिटिंग केस है, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट बॉल, ये क्वेश्चन आसान है, टाइम लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, समझाने में थोड़ा वो हो जाता है, फर्स्ट बॉल जो है
उसको टी इक्वल टू जीरो पे फेंके, और लिमिटिंग केस क्या रहेगा कि जब आप थर्ड बॉल फेंक रहे हो, सेकंड बॉल बीच में फेंक दी होंगे वो जरूरत नहीं आप देख चुके हो, जब थर्ड बॉल फेंक रहे हो तब फर्स्ट बॉल आपके हाथ में आ गया, फर्स्ट बॉल आपके हाथ में आया, ठीक है, ये लिमिटिंग केस, लिमिटिंग मतलब जस्ट आप बचे, है ना, इससे थोड़ा लेट करता फर्स्ट बॉल तो अपना एम अटेंड हुआ था तीनों बॉल हवा में, ठीक है। अब ऑफकोर्स टी इक्वल टू जीरो पे फर्स्ट बॉल को फेंके थे और टी इक्वल टू फोर सेकेंड में थर्ड बॉल को फेंक रहे होंगे आप, है ना, तो फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो, फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट बॉल कितना है, चार सेकेंड है ना, ठीक है, यानी चार सेकेंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब ऊपर जाने का टाइम, टाइम टू गो अप कितना था, 2 सेकेंड, क्योंकि हमें पता है ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम इक्वल रहता है, ठीक है, तो 2 सेकेंड उसको ऊपर जाने का टाइम था, है ना, तो अब ऊपर जाने में उसको 2 सेकेंड लगा है, तो v इज इक्वल टू अगर u प्लस at यूज करे तो ऊपर वो कितने देर के लिए गया, 2 सेकेंड के लिए, मतलब 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, तभी तो ऊपर से फिर नीचे आने स्टार्ट किया, ठीक है, तो इट वेंट अप फॉर ओनली 2 सेकेंड्स, मतलब वेलोसिटी इज जीरो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, एक्सेलेरेशन आपको पता है इतना, तो यहाँ से आपको u का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2g, ठीक है, यानी इसको कितने स्पीड से फेंकना पड़ा होगा, 2g की स्पीड से फेंकना पड़ा होगा, अगर इसको आप 2g की स्पीड से फेंकोगे तब वो 2 सेकेंड में, क्या देखना एक्सेलेरेशन कितना है, हर सेकेंड में एक्सेलेरेशन जी अमाउंट से स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है, तो 2g से जी करेगा 1 सेकेंड के बाद और जी से जीरो करेगा फिर से 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, और फिर जीरो से प्लस जी करेगा 1 सेकेंड के बाद और जी से 2g करेगा फिर से 1 सेकेंड में, 4 सेकेंड हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड हो गया आपका 2g, है ना, लेकिन अगर आप इतने से फेंकोगे तब क्या हो रहा है, तब तो आपका थर्ड बॉल जैसे छूट रहा वैसे फर्स्ट बॉल आ गया, आप जस्ट फेल हुए, तो आप क्या करोगे, इससे जस्ट ज़्यादा स्पीड से फेंकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्पीड से फेंको गया तब फर्स्ट बॉल को आने में, अगर ज़्यादा स्पीड से फेंको तो फर्स्ट बॉल थोड़ा और ऊपर जाएगा, और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, और ज़्यादा नीचे लगेगा तब तक थर्ड बॉल छूट चुका होगा, ठीक है, तो आप पता है कि यू इक्वल टू 2g से फेंक रहे हो तो आपका एम अटेंड नहीं हो पा रहा, आप जस्ट मिस कर जा रहे हो, तो यू ग्रेटर देन 2g होना चाहिए, ठीक है, और 2g का वैल्यू, जी का वैल्यू 9.8, तो 2g का वैल्यू 19.6, तो स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 19.6, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए सी, है ना, कई अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था पूरा, 82। मूविंग ऑन 83।